गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। आज सुबह की ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बर्मा ज्वेलर्स सोलन, द बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ऑफ हिमाचल प्रदेश। जुनून और अदम्य साहस, पहाड़ की बेटी बलजीत कौर ने अन्नपूर्णा चोटी पर तिरंगा फहराकर रचा इतिहास। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल में बारिश बर्फबारी, 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का टेम्परेचर। फुटमैट के नीचे पैकेट में छिपा रखा था चिट्टा, चंडीगढ़ मनाली एनएच पर स्वारघाट पुलिस ने धरे 3 युवक। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की पर्वतारोही बलजीत कौर ने करीब 8000 मीटर की ऊंचाई वाली अन्नपूर्णा पीक पर तिरंगा फहराकर विश्व भर में नया स्वर्णिम इतिहास रच दिया है। बलजीत खतरे को भांपने के उपरांत भी बिना किसी सप्लीमेंट ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा चोटी को फतेह करने में कामयाब रही। सोशल मीडिया पर बलजीत के रेस्क्यू की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बलजीत कौर की मां शांति देवी ने दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में कहा कि मेरी बेटी पहाड़ों में पली बड़ी है और बचपन से ही उसका पहाड़ों के साथ खास नाता रहा है। बलजीत ने विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए जो मुकाम हासिल किया है उससे सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी बेटी के अदम्य साहस व भारत का नाम ऊंचा करने के लिए सरकारी नौकरी दी जाए। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बुधवार तड़के खूब बारिश हुई, जबकि पहाड़ एक बार फिर से सफेद हो गए हैं। बारिश बर्फबारी से हिमाचल में एक बार फिर ठंड महसूस की जा रही है। अटल टनल रोहतांग के पास धुंधी क्षेत्र में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके चलते सोलंग वैरियर से सिर्फ 4x4 वाहनों को ही सिसु की ओर भेजा जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से बदले मौसम के चलते प्रदेश के अधिकतम पारे में 3 से 4 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 22 अप्रैल तक हिमाचल में मौसम खराब बने रहने के आसार बताए हैं। पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने एक कार से चिट्टा पकड़ने में सफलता पाई है। दरअसल पुलिस ने चंडीगढ़ मनाली एनएच पर दवाटा में नाका लगा रखा था। इसी बीच बिलासपुर की तरफ जा रही एक टैक्सी को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान फुटमैट के नीचे से पुलिस को एक पॉलीथीन पैकेट बरामद हुआ, जिसमें 8.49 ग्राम चिट्टा रखा हुआ था। आरोपियों में कार चालक की पहचान 27 वर्षीय शुभम, 18 वर्षीय अरमान तथा तीसरे व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार पतलीकुल के रूप में हुई है। डीएसपी श्री नैना देवी विक्रांत वोंसला ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ थाना स्वारघाट में धारा 21-25 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीएसएल कॉलोनी में बीबीएमबी से अज्ञात चोरों ने एक महिला शिक्षिका के क्वार्टर में घुसकर 3.5 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि जया कुमारी पत्नी प्रदीप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि जब वह मंडी ड्यूटी के लिए गई थी तो पीछे से चोरों ने उनके क्वार्टर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर सोने के गहने चुरा लिए। इनमें सोने का मंगलसूत्र, चेन व 2 सोने की चूड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 454-380 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई तेज कर दी है। मेरा नाम जया है और मैं यहाँ बीबीएमबी कॉलोनी में S3 370 में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड उसमें है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, और मैं जैसे मैं स्कूल गई थी तो वैसे ही स्कूल से आई तो हमारे घर का ताला टूटा हुआ था और हमारे घर से बहुत कीमती सामान जो है चोरी हो गया है, और मतलब ताला तोड़ के सभी चले गए। मेरा सामान मेरे पास, मैंने यहाँ भी 3-4 दिन पहले ही मैंने भी चूड़ियाँ खोली थी और एक मंगलसूत्र और एक सोने की चेन, बाकी चांदी की जो पायल है वो मैंने यहीं देखी, अभी यही है। लगातार चोरियाँ कर रहे हैं बीबीएमबी कॉलोनी में, तो लगातार चोरियाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े ही चोरियाँ कर रहे हैं ये। पुलिस से ये है कि हमारी जो चोरी हुई है उसे हमें बरामद करवा दे कहीं से भी, कैसे भी करके। अब इतनी मेहनत से हम कमा रहे हैं, मंडी से आ रही हूँ, खलियार में जाती हूँ डेली। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का।
वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं, तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहां मिली? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाएं जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।